तो डिफरेंट होगा, वैसे तो हमने आप देख लिए होंगे। सो आज हम लोग केक बनाने जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टू डू टुडेज ब्लॉग, तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग लास्ट वीडियोस लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, लेकिन सब कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो लोग व्यू कर रहे हैं वीडियोस, काइंडली सब्सक्राइब, सो दैट हम लोग जो भी इनोवेटिव वीडियो बना रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। तो लेट अस कम टू टुडेज ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग केक बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए ना ओवन जरूरत है ना प्रेशर कुकर जरूरी है। इट्स वेरी इजी, इट्स अ वेरी चॉकलेट बिस्किट केक है, उसका नाम है चॉकलेट बिस्किट केक। ये जो केक है बिस्किट से बनेगा, तो आइए चलिए लेट्स सी। नमस्ते, आज हम लोग चॉकलेट बिस्किट केक बनाएंगे। आज का केक के लिए ओवन और कुकर जरूरत नहीं है, केक आराम से बन सकता है। आज का इंग्रेडिएंट है बिस्किट, अमूल बटर, पाउडर शुगर, अमूल, कोको पाउडर, जाम, थोड़ा सा मिल्क और जेम्स। पहले 100 ग्राम बटर बाउल में डालेंगे। अभी हम लोग बटर को व्हिप करेंगे। अभी हम लोग 6 टेबलस्पून शुगर पाउडर डालेंगे। फिर से व्हिप करेंगे। अभी हम लोग 6 टेबलस्पून अमूल का मिल्क पाउडर डालेंगे। फिर से व्हिप करेंगे। अभी हम लोग 6 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। फिर से व्हिप करेंगे। अभी ये ड्राई है, हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। और थोड़ा दूध डालेंगे। ये मिस थोड़ा गाढ़ा है, इस मिस को हल्का करना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध डाल रहे हैं। 2 चम्मच दूध और डालिए। दूध और डालेंगे। और 2 चम्मच दूध डालेंगे।
और 2 चम्मच दूध डालेंगे। हम लोग टोटल 10 चम्मच दूध डाले हैं। ये चॉकलेट केक के लिए रेडी है। एक एल्युमिनियम फॉइल प्लेट में लीजिए। पहले हम लोग केक का बेस बनाएंगे। बिस्कुट को दूध में डुबाएंगे, बेस में रखेंगे। अभी हम लोग चॉकलेट का लेयर देंगे। अभी हम लोग बिस्कुट का सेकंड लेयर देंगे। फिर से चॉकलेट मिक्सचर देंगे। फिर से चॉकलेट का एक लेयर देंगे। ऐसे करके चॉकलेट और बिस्कुट का 5 लेयर बनाएंगे। अभी हम लोग चारों तरफ से चॉकलेट देंगे। अभी हम लोग केक को डेकोरेट करेंगे। हम लोग जंक चॉकलेट को यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग केक को फ्रिज में 2 घंटा रखेंगे। केक फ्रिज में सेट होगा। ऐसा केक बनाइए, एंजॉय कीजिए।